सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अभी तक फिल्म से जुड़ी फैंस कई झलक देख चुके हैं, यहां तक कि भारत का टीजर भी सामने आ चुका है। लेकिन बावजूद इसके हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भाईजान अपनी फिल्म का ट्रेलर या कब अपनी पहली ऑफिशियल झलक दिखाने वाले हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको देने वाले हैं, उसे सुनकर आप जरूर खुश हो जाएंगे, और वो ये कि नए साल में सलमान के फैंस को भारत की झलक देखने को मिलेगी। और इस बात की जानकारी दी है खुद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने। अली ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सलमान खान के सभी फैंस अपना दिल छोटा ना करें। ये हमारा फैसला था कि हम भाई के जन्मदिन पर भारत द फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं करेंगे। हम अभी तक फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। नए साल में नई फिल्म की बात करेंगे। नाम भारत है तो तारीख भी स्पेशल होगी। अब अली की इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खास दिन कौन सा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो नए साल पर जनवरी के महीने में 26 जनवरी ही सबसे खास दिन है, और हो सकता है कि फैंस को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की झलक देखने को मिल जाए। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान की रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर वो धमाल नहीं मचा पाई थी जो अक्सर सलमान की मूवीज करती हैं। और ऐसे में सलमान और उनके फैंस को भारत से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और इसीलिए हर कोई सलमान को भारत में देखने के लिए एक्साइटेड भी है। वैसे तो अभी तक इस फिल्म से जुड़ी वीडियोस और फोटोज ही सामने आई हैं, लेकिन किसी में भी सलमान के लुक को रिवील नहीं किया गया। ये फिल्म साल 2019 की ईद पर रिलीज की जाएगी। सलमान के अलावा इस फिल्म में कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, तब्बू, नोरा फतेही और सुनील ग्रोवर भी अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।